बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान कवच को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को एनेक्सी भवन में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित मास्टर ट्रेनर राजेश मणि ने विधिवत प्रशिक्षण दिया। बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के मुख्य कार्यक्रम में SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, ADME चतुर्भुज गुप्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एवं NGO के सदस्य मौजूद रहे। के तहत हम अब इस एक महीने के अभियान को चलाएंगे। जो हमारा अभियान का 7वां दिन था, 8 तारीख को साथ को संजय था जो बंद था अभियान हमारा, तो इस तरह से ये अभियान हमारा लगातार प्रोग्रेस की आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। जो आप लोगों के स्तर से जो फीडबैक और डाटा मिले हुए हैं उस हिसाब से अभी तक हम लोग 6 तारीख तक 29,501 बच्चों को टच कर चुके हैं। इसका मतलब उनसे इन्फेक्शन हमारा हो चुका है, तो हमारा अब तक का अभियान काफ़ी सफल भी रहा है और आप लोगों का जो प्रयास है काफ़ी सराहनीय है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हमारे जो नामित किए गए हैं शासन की तरफ से ट्रेनर, मैं राजस्थान से अनुरोध करूँगा कि अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाएं। इसमें आज 8वां दिन है, 8 दिन बीत चुका है। यहाँ पे जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय का मैं स्वागत करना चाहूँगी कि जिनके सौजन्य से, जिनके सहयोग से और SP के सहयोग से अपने अपने विवेक के अनुसार, अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार जो बातें बतानी है, यहाँ पे कुछ ऐसा नई चीज नहीं बतानी है, लेकिन उसको एक सिस्टम के तरीके से किस तरह से उनके बीच जाया जाए उसे हमको देखना है। इसके लिए मैं यूनी से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई है या किस तरह की और आवश्यकता है इसको देखने की जरूरत है। ये जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले बैनर सभी जो मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है इस अभियान को चलाने का कि सभी विभाग को एक छतरी के नीचे ला करके हम अपने बच्चों को कैसे घटनाएं घट रही है जिसे सरकार को चिंतित होना पड़ा और एक कदम उठाना पड़ा। ये आप जानते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। यह अभियान शुद्ध रूप से प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर के चलाया जा रहा है कि उस घटना का अंजाम हो ही ना, हम इस तरह से जागरूकता लाएं कि घटना घटे ही। बच्चों से आजकल तो ये कहना बड़ा कैसे कहें दुख हो रहा है, कौन अपना है और कौन पराया है यह पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसके साथ बच्चा जाए बच्ची जाए, किसके साथ बच्चा बच्ची मत रहे, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। आप जानते हैं कि सबसे अधिक शोषण कहां पे हो रहा है। आए दिन अखबार के पन्नों में टाइटल हो रही है कि कोई नाम क्या मैं हूँ, बस ये कहूंगा कि घर परिवार का ही रिश्तेदार ही कहीं कहीं उस शोषण का शिकार बच्चों का कर रहा है। आप 8 दिन कार्यक्रम को कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आज मिले जिससे आप ले जा करके उसको ठीक से निष्पादित करें, क्योंकि यह ध्यान सबको होगा क्या इस ट्रेनिंग या इस अभियान को हम जागरूक कर पाए, इसका एक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन भी है। ये सभी प्रोग्राम को पता नहीं है क्योंकि 60 दिन का प्रोग्राम है, 1 महीने का प्रोग्राम है, इसका इवैल्यूएशन भी होना है। उदाहरण देता हूं, यूनिसेफ के सभी जिले के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको एक साथ जोड़ा, सभी जिलों के मास्टर ट्रेनर को एक साथ जोड़ा है, कहीं से कोई हिचक की बात नहीं है। आप चर्चा कर, मैं सत्र को आगे बढ़ा रहा हूं। सत्र में आप देख रहे होंगे कि भाग 1 और भाग 2 दूंगा इस पूरे प्रदेश में गोरखपुर ऐसा है जहां पे 400 विद्यालयों को टारगेट रखा गया, इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं। 460 इसके लिए पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। यहां पे 2 सेशन का चला, आपने फिल्म देखी हो, इसके बाद चुप्पी तोड़ना के बाद उसने संदेश दिया कि अगर आपको
कोई किसी तरह से परेशान करता है या अपना ही स्पेसिफिक रूप से चार पार्ट्स को बताया गया।